महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हुआ है रविवार को, वो बड़े सियासी उलटफेर के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद एनसीपी नेता अजीत पवार एक घंटे के भीतर ही नेता प्रतिपक्ष राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बन गए। राज्य की राजनीति में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि किसी को भनक तक नहीं लगी। पार्टी में हुई बगावत के बाद अब सबकी निगाहें एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर आकर टिक गई हैं। एनसीपी में इस फूट की सबसे बड़ी वजह एक धड़े की अनदेखी को माना जा रहा है। बीते दिनों शरद पवार के पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से शुरू हुए नाटक के बाद जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल और बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, इससे पार्टी का एक बड़ा धड़ा नाराज चल रहा था। अजीत पवार के समर्थक विधायक पवार के इस फैसले से नाराज थे। पहली बार जब 2 मई को शरद पवार ने पार्टी पद छोड़ा तो इस बात की संभावना थी कि अजीत पवार को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। जब पार्टी नेताओं और समर्थकों ने पवार के फैसले का विरोध किया तो अजीत ने खुलेआम कहा था कि इस विरोध से कुछ नहीं होगा, पवार साहब अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हालांकि 4 दिन में ही पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। वो जब इस बात की जानकारी मीडिया को देने के लिए आए तो अजीत पवार वहां मौजूद नहीं थे। तब इस बात की चर्चा थी कि अजीत शरद पवार के फैसले से नाराज हैं। शरद पवार अब भी हार नहीं मान रहे हैं। अजीत पवार के लिए मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई हैं। आप ये देखिएगा कि आने वाले दिनों में पार्टी के विधायकों का समर्थन अपने प्रति दिखाना यह अजीत पवार के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। यदि वो जो दावा कर रहे हैं उसको पूरा करने में या उसको सामने रखने में सफल होते हैं तो एक बात बहुत तय है, अजीत पवार एनसीपी के असली मालिक कहलाएंगे। और शरद पवार ने जो इस्तीफा देने के बाद नहीं किया वो काम अजीत पवार ज़बरदस्ती करवा लेंगे, ये कहना भी गलत नहीं होगा। दूसरी घटना हाल ही में पार्टी संगठन में हुए फेरबदल को लेकर है। शरद पवार ने 10 जून यानी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष समेत विभिन्न राज्यों का प्रभार दे दिया। इसके बाद अजीत पवार की नाराजगी की खबरें सामने आई, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया था। शरद पवार ने यह भी कहा था कि अजीत पवार पहले से ही विपक्ष के नेता के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो महाराष्ट्र राज्य देखेंगे। महाराष्ट्र राज्य देखेंगे का क्या मतलब है? क्या महाराष्ट्र राज्य से जुड़े फैसले भी ले पाएंगे अजीत पवार? और ऐसा करने में शायद परेशानी महसूस कर रहे थे अजीत पवार, उनके फैसले के साथ में शरद पवार नहीं दिख रहे थे क्योंकि वो विपक्षी एकजुटता में लगे। ये विपक्षी एकजुटता जो है वो बहुत आड़े आई। अजीत पवार का झुकाव हमेशा से रहा एनडीए की तरफ, बीजेपी की तरफ, देवेंद्र फडणवीस से उनकी नज़दीकी रही, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कई पॉजिटिव कमेंट्स वो लगातार करते रहे, इससे बहुत स्पष्ट था कि उनकी सोच क्या है। लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या आने वाले दिनों में अजीत पवार और बाकी बचे हुए शरद पवार गुट के नेताओं का भी कोई मेल होता? आइए हम आपको बताते हैं अब शरद पवार क्या करेंगे। प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अजीत पवार का पुराना सपना था कि वो भाजपा के साथ सरकार में शामिल हों। आखिरकार उनका यह सपना रविवार को पूरा हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति में अब यह खेल बहुत लंबा चलेगा क्योंकि शरद पवार इस घटना को लेकर बोल चुके हैं कि विधायक कहीं भी जा सकते हैं लेकिन पार्टी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा नहीं हुआ, वहां तो विधायक भी गए और पार्टी भी चली गई। तो महाराष्ट्र में ये हो चुका है कि जहां विधायक जाते हैं वहां पार्टी चली जाती है। हाँ, विधायकों के साथ सांसद, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अन्य राज्यों में जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनका समर्थन होना भी जरूरी होता है। अजीत पवार इस मोर्चे पर क्या करेंगे बड़ा सवाल है और शरद पवार यहीं पर अपने प्रयास तेज करेंगे। अजीत पवार ने विधायकों की बैठक की है, ये बैठक पार्टी की आधिकारिक बैठक नहीं थी। अब एनसीपी किसकी होगी ये लड़ाई देखने लायक होगी। एनसीपी के पास अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है, अब वो केवल एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है। सवाल उठने लगे हैं कि अजीत पवार भी क्या एकनाथ शिंदे की तरह पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी के हक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर चुके हैं कि हम लोग एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे। पार्टी के सभी नेता हमारे पास हैं। एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि शरद पवार चुपचाप अजीत पवार के इस फैसले को स्वीकार कर ले, मैंने कुछ रिपोर्ट्स में आपको बताया है और ये बहुत संभावित फैसला दिखाई पड़ता है क्योंकि शरद पवार के पास अभी कुछ करने को रह नहीं जाएगा इसके अलावा कि वो अजीत पवार के इस फैसले को स्वीकार करें। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम भी दिखाई पड़ती है। शरद पवार इस स्थिति से निपटने के लिए नागालैंड के फॉर्मूले को अपना सकते हैं। नागालैंड का फॉर्मूला क्या है? नागालैंड में भाजपा स्थानीय दलों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है, इसके बावजूद एनसीपी के 4 विधायक भाजपा समर्थित सरकार को समर्थन दे रहे हैं। आपको याद होगा यह खबर बहुत चर्चा में आई थी। अजीत पवार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहरा चुके हैं कि नागालैंड फॉर्मूला क्या है। अजीत पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी नागालैंड मॉडल का जिक्र किया। अजीत पवार ने कहा कि हम बीजेपी गठबंधन वाली सरकार का नागालैंड में समर्थन कर सकते हैं तो फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर सकते हैं। जिस तरह नागालैंड में एनडीपीपी नेता नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाली सरकार में बीजेपी शामिल है, ठीक उसी तरह के हालात महाराष्ट्र में भी हैं। महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी है लेकिन सरकार का नेतृत्व शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और बीजेपी इस सरकार में शामिल है। अब अजीत पवार ने इसी मॉडल की आड़ लेते हुए कहा कि यहां भी समर्थन देने में क्या हर्ज है। दरअसल
नागालैंड में इसी साल विधानसभा चुनाव हुए थे। 60 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत 37 सीटें मिली और नेफ्यू रियो के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। बाद में गठबंधन को मिली थी, नेफ्यू रियो जो है यहाँ पर चेहरा रहे, इसमें मतलब बीजेपी शामिल रही। बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यानी एनसीपी ने नागालैंड में एनडीपीपी जो सबसे बड़ी पार्टी थी, बीजेपी, इन दोनों के गठबंधन से जो सरकार बनी उसके नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने की घोषणा की, जिसके 7 विधायक चुनकर आए थे। तब पार्टी प्रमुख शरद पवार ने नागालैंड के व्यापक हित में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व को स्वीकार करने का फैसला किया था। शरद पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी ने बीजेपी को नहीं बल्कि नागालैंड के मुख्यमंत्री का समर्थन किया जो एनडीपीपी से हैं। अब देखिए एनडीपीपी से है तो यहाँ भी कह दिया अजीत पवार ने कि एकनाथ शिंदे भी तो शिवसेना से, यहाँ भी बीजेपी सरकार का हिस्सा है जैसे नागालैंड में। शरद पवार ने कहा था, पहले भी देख चुका हूँ बगावत। महाराष्ट्र में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद शरद पवार ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पहले भी ऐसी बगावत हो चुकी है, लेकिन मैं फिर से पार्टी खड़ी करके दिखाऊंगा। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया था कि महाराष्ट्र के मुख्य सहकारी बैंक में भारी भ्रष्टाचार है। हालांकि सरकार में शामिल हुए नेता बताते हैं कि भ्रष्टाचार का मामला अब साफ हो गया है और इसके लिए वो पीएम को धन्यवाद देते हैं। अगले कुछ दिनों में लोगों को पता चल जाएगा कि इन एनसीपी नेताओं ने हाथ क्यों मिलाया है। जो लोग शामिल हुए हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया है और कहा है कि उन्हें बीजेपी ने आमंत्रित किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका रुख अलग है। यानी अब भी शरद पवार ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ में ये विधायक हो सकते हैं। देखिए ये इसलिए दिलचस्प पहलू दिखाई पड़ता है कि अजीत पवार पहले भी देवेंद्र फडणवीस के साथ जा चुके, तब क्या हुआ था, तब शरद पवार ने जिस समय इस्तीफा दिया था तब अपनी किताब का, उनकी किताब का बड़ा उल्लेख हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था कि इसी अंदाज में अजीत पवार जो है वो विधायकों के साथ में चले गए थे शपथ लेने के लिए, लेकिन जब उन्होंने विधायकों को फ़ोन किया तो उनको बताया गया कि आपकी सहमति है, ऐसा बताया गया। उन्होंने मना किया इस बात से कि नहीं, मेरी कोई सहमति नहीं है, इस बारे में मुझसे किसी ने बात नहीं की है। तब सारे विधायक वापस आ गए थे। क्या ये स्थिति अभी दोबारा बन सकती है? क्या अजीत पवार ने जो कदम उठाया उसके बाद में शरद पवार के साथ में विधायक दोबारा आ सकते हैं? क्या अजीत पवार अपने साथ जितने विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं उसको वो साबित भी कर पाएंगे? कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ये बताएंगे कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत का रुख क्या रहने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।